उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से यूं ही नहीं जाना जाता। माना जाता है कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है। माँ एक ऐसा शब्द जिस शब्द में ही अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दुआएं छिपी रहती है। आज मैं जिस माँ के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है माँ रेणुका। माँ रेणुका भगवान परशुराम की माता और महर्षि जमदग्नि ऋषि जी की पत्नी थी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। हम आ रखे हैं देहरादून से घर, क्योंकि हमारे घर में आ रही है आज माँ रेणुका और घर वाले सब लोग व्यस्त हैं। माँ के साथ साथ माँ के साथ जो आने वाले मेहमान भी हैं उन सबके स्वागत की तैयारियों में। और एक बात, मेरी चल रही थी तबीयत खराब, ज़्यादातर रिकॉर्डिंग मेरी बेटी ने की है, और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे पूरा रेस्ट के लिए बोला था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई खुद से। आज माता के दर्शन के साथ साथ आपको अपने घर का टूर भी करवाती हूँ। और अभी हो रही है दिन के खाने की तैयारी, क्योंकि शाम का टाइम है, 3 बजे करीबन का टाइम है और 4-5 बजे तक डोली आ जाएगी, तो यहाँ पे सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने काम पे। और यहाँ पे देखिए मेहमान कुछ खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे नीचे पे बैठ के श्याम की सब्जियाँ काटी जा रही है, श्याम की तैयारी चल रही है। और ये देखिए ये है सामने हमारा किचन, चलिए आपको किचन में ले चलते हैं। और ये देखिए ये है हमारा किचन। और ये देखिए ये जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है व्हाइट शर्ट वाला, और जो ऑरेंज टी शर्ट वाला है वो मेरी देवरानी का बेटा है। और ये देखिए यहाँ पे माता के स्वागत की तैयारी के लिए जो भी चीजें चाहिए, जैसे कि मालाएं, फूल वगैरह, तो ये सारी चीजें यहाँ पे थाली पे सजाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी जेठानी, मेरी देवरानी सब लोग बैठ के अभी यही काम कर रहे थे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो इसी तरह के मैट बिछाए जाते हैं नीचे, और ये हमने अभी यहाँ पे कारपेट बिछा रखे हैं नीचे। और ये येलो टी शर्ट वाले हैं मेरे जेठ जी, इनकी भी अपनी तैयारी चल रही है, जेठानी से पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी टी शर्ट पहनूँ। अगर आप मेरे चैनल को स्टार्टिंग से देखते होंगे, मेरी वीडियोज़ देखते होंगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जगह चिन्याली सौड़ है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और बहुत ही प्यारी जगह है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप श्याम के खाने की तैयारी भी हो रही है। और ये देखिए यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जेठ जी सब लोग रोड पे आ गए हैं, ताकि माता आने ही वाली है, तो सब लोग उनके स्वागत की तैयारी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। दरबारा वाली आरती
और अब माता की डोली को घर के अंदर रख दिया गया है, क्योंकि रेणुका माता की डोली जो है बड़कोट गांव से आई थी, बड़कोट सरनोल से आई हुई थी, तो सब लोग थके हुए थे, तो इसलिए जो है अभी डोली अंदर रख दी गई है सीधे, और जो भी लोग आएंगे अब कल आएंगे दर्शन के लिए। और इस वक्त यहाँ पे सब लोग जो है तैयारियों में व्यस्त थे, तो इसलिए किसी कोई जो है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जब माता की डोली घर पे लाई गई तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। मैं भी अंदर बेड पे लेटी हुई थी, मुझे भी बेड रेस्ट के लिए ही बोला गया था। और ये देखिए अब हो रही है यहाँ पे श्याम की पूजा की तैयारी, और हम सब हमारा पूरा परिवार जो यहाँ पे बैठ गया है माँ की पूजा के लिए। श्री का ध्यान कर दो, महालक्ष्मी श्री विष्णु प्रत्यान जी में कन्नो लक्ष्मी कृष्ण उदयात नारायण का ध्यान करते हुए ओम हरि ओम महा शांताकार पंचोपाल लोकपाल होते हुए प्रणाम करते हुए। और अब पूजा हो चुकी है और अब हो रही है मेहमानों को खाना खिलाने की तैयारी। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो खाना बांट रहे हैं यहाँ पे, ये है मामा जी, और ये बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पे जब भागवत हुई थी तो पंडितों के लिए मामा जी ने ही खाना बनाया था, और ये बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, और क्योंकि ये पंडित भी हैं तो पंडितों के हाथों से ही खाना बनाया जाता है औरों के लिए, मेहमानों के लिए। हमारे गढ़वाल की एक बहुत अच्छी परंपरा है, यहाँ पे जो है सबसे पहले जमीन पे मैट बिछाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर मेहमान बैठते हैं और तब जाके खाना खाया जाता है। और सब लोगों ने जो है अपने जूते चप्पल किनारे खोल रखी है अभी, तब जाके सब लोग फर्श पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और जो बांटने वाले भी हैं वो भी नंगे पैर ही हैं, आप देख सकते हो। हमारे यहाँ पे जूते चप्पल पहन के जो है खाना खाओ तो खाने का अनादर माना जाता है, इसलिए जो है सब लोग अभी नंगे पैर ही बैठे हैं। और ये वीडियो जो है मैंने दो पार्ट में बनाई हुई है, तो पार्ट फर्स्ट तो मैं अपलोड कर रही हूँ, पर पार्ट टू मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगी। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे जो डेली रील्स अपलोड करती रहती हूँ। तो और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।